सीरियल अनुपमा में अनुज और अनुपमा पहुंचे हैं बीच पर, जहां पर अनुपमा का ये सपना भी होता है बचपन का कि वो बीच पर घूमे, मस्ती करे, और अनुपमा का ये सपना पूरा करने के लिए अनुज उसे बीच पर लेकर जाता है। लेकिन अब आएगा यहाँ पर ट्विस्ट। दरअसल यहाँ पर अनुपमा और अनुज दोनों ही बारिश में भीगते नजर आने वाले हैं और दोनों ही एक दूसरे की तस्वीरें भी खींचते नजर आएंगे। तो वहीं उन दोनों को कपल समझकर वहां पर भी लोग उन दोनों की तस्वीरें साथ में ले लेंगे और उनकी तस्वीरें अब अनुज का ये सपना भी पूरा हो जाता है और उसका ये जो सफर है अनुज और अनुपमा का काफी यादगार होने वाला है। लेकिन बारिश में भीगने की वजह से अनुज की तबीयत खराब हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अनुज को कोल्ड और फीवर हो जाने वाला है और अनुपमा आने के बाद भी अनुज के घर पर ही रुकने वाली है क्योंकि उसकी तबीयत खराब होती है और वो उसे अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहती। तो यहाँ पर आधी रात को वो जब घर पहुँचते हैं तो अनुज की तबीयत बहुत बुरी तरह से खराब होती है और उसका काढ़ा वाड़ा सब कुछ होता है। तो आधी रात को फिर काका कहते हैं कि तुम्हारा इतनी आधी रात को ऑटो लेकर जाना सेफ नहीं है, इसीलिए तुम यहीं रहो और तुम बापूजी को इन्फॉर्म कर दो। तो वो बापूजी को कॉल करके इन्फॉर्म कर देती है कि वो आ चुकी है लेकिन अनुज की तबीयत खराब हुई और अब उसे ऑटो कुछ नहीं मिल सकता। तो यहाँ पर बापूजी कहते हैं कि ठीक है, अब थोड़ी ही देर की बात है तो तुम सुबह होते ही आ जाना। और बापूजी को पता होता है, लेकिन अनुपमा यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर दिखाया जाएगा कि अनुज की काफ़ी ज़्यादा केयर करने वाली है उसकी फीवर में और उसके लिए काढ़ा बनाएगी और उसकी पूरी रात सेवा करने वाली है और अनुज को ये सब एक सपने जैसा ही लग रहा होगा। लेकिन यहाँ पर काफ़ी क्यूट मोमेंट्स देखने को मिलेंगे। तो दूसरी तरफ जैसे ही वो सुबह सुबह घर लौट कर आएंगी, माँ कहेगी तुम तो कल शाम को आने वाली थी, लेकिन वो बताएंगी कि फ्लाइट लेट हो गई थी और अनुज की तबीयत खराब हो गई थी। तो इस चक्कर में माँ का और वनराज का गुस्सा फूटेगा कि तुम एक पूरी रात तक वहाँ कैसे रह सकती हो और अनुपमा पर इल्ज़ाम लगाते नजर आएंगे और बापूजी कह देंगे कि ये इसने मुझे पहले ही बता दिया था, आते ही इन्फॉर्म कर दिया था, तो तुम्हें इतने इल्ज़ाम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता था कि अनुपमा अनुज के घर रुकी है और उसने मुझसे परमिशन भी ली थी। और माँ और अनुराज का मुंह बंद कर देती हैं, लेकिन अब का बिल्कुल भी माँ को ये बात पसंद नहीं आई कि अनुपमा रुकी थी। और अब काव्या उस बात का फ़ायदा उठाते हुए माँ को और भी भड़काएगी ताकि अनुज और अनुपमा की वह पार्टनरशिप तुड़वा दें, और चाहे कैसे भी तुड़वाएं, अगर माँ ने ठान लिया तो वो करके ही दिखाएंगी और इसीलिए वो प्रॉब्लम्स खड़ी करने की कोशिश करेगी। लेकिन अब भाई अनुज और अनुपमा की तो जिंदगी एक नए तरीके से शुरू हो चुकी है और अब इनको एक होने से कोई नहीं रोक सकता।